तो आज हम बात करेंगे रेनेसा पीरियड के बारे में। जो रेनेसा है वो क्या था और उसका मतलब क्या होता है। ये एक पीरियड था, ये एक पीरियड का मतलब होता है एक समय जिसमें ये हुआ था रेनेसा, जो कि क्या था 1485 टू 1660। तो रेनेसा जो होता है इसका मतलब होता है अ रिन्यूअल ऑफ लाइफ, वीगर इंटरेस्ट एटसेट्रा, रिबर्थ रिवाइवल। माइकल एंजेलोस डेविड हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वर्क्स ऑफ रेनेसा स्कल्प्टर, अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड यूथफुल ब्यूटी। द रेनेसा पीरियड कल्चरल ब्रिज बिटवीन मिडिल एजेस एंड मॉडर्न हिस्ट्री। कहीं ना कहीं जो रेनेसा पीरियड है वो एक ब्रिज बनता है, किसमें? कल्चरल ब्रिज बिटवीन मिडिल एजेस एंड मॉडर्न हिस्ट्री। बिगेन इन इटली एंड स्प्रेड थ्रू द रेस्ट ऑफ द यूरोप बाई 16th सेंचुरी। इट्स इन्फ्लुएंस वॉज फेल्ट इन लिटरेचर, फिलोसफी, आर्ट, म्यूजिक, पॉलिटिक्स, साइंस, रिलीजन एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी। द रेनेसा कुड बी व्यूड एज एन अटेम्प्ट बाई इंटेलेक्चुअल्स टू स्टडी एंड इम्प्रूव वर्ल्ड इश्यूज थ्रू द रिवाइवल ऑफ आइडियाज फ्रॉम एंटिक्विटी एंड थ्रू न्यू रीजनिंग एंड थॉट। रेनेसा ओरिजिन्स। ब्लैक प्लेग। इटली वॉज हिट बैडली बाई द प्लेग एंड इट हैज बीन स्पेक्यूलेटेड दैट द रिजल्टिंग फॉर्मेल फेमिलैरिटी विद डेथ कॉज थिंकर्स टू ड्वेल मोर ऑन देयर लाइव्स। इट ऑल्सो लेड टू न्यू वेल्थ। पॉपुलेशन इन यूरोप वेंट फ्रॉम 4.2 मिलियन टू 2.8 मिलियन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मास डेसिमेशन द वर्क क्लास बिकेम मोर वैल्यूड एंड द कॉमनर्स केम टू एंजॉय मोर फ्रीडम। सर्वाइवर्स ऑफ द प्लेग फाउंड दैट फूड वॉज चीपर एंड मैनी ऑफ देम इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर डेड रिलेटिव्स। डिजायर टू रिट्राइव एंड स्टडी लेटिन एंड ग्रीक लिटरेरी हिस्टोरिकल एंड ऑरेटोरिकल टेक्स्ट डेवलपमेंट ऑपरेटिंग प्रेस वॉज मेड इजियर टू ऑब्टेन वर्क्स। सोशल एंड पोलिटिकल स्ट्रक्चर इन इटली स्विच फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू अ सोसाइटी बेस्ड ऑन मर्चेंट्स एंड कॉमर्स, परहैप्स अ रिजल्ट ऑफ द प्लेग। तो ये कहीं ना कहीं उस प्लेग की वजह से बहुत सारी चीजें जो हुई थी वो रेनेसा में हुई थी, जो ब्लैक प्लेग जो हुआ था यूरोप में 1348 टू 1350। रेनेसांस कैरेक्टरिस्टिक्स। सो व्हाट आर द रेनेसांस कैरेक्टरिस्टिक्स, रेनेसा की क्या विशेषताएं हैं? तो उसमें ह्यूमैनिज्म है, आर्ट है, साइंस है, म्यूजिक है एंड रिलीजन है। रेनेसा ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैनिस्ट एजुकेशन, पोइट्री, ग्रामर, हिस्ट्री एंड मॉरल फिलोसफी एंड रेटोरिक, ये सब इंक्लूड किए गए थे ह्यूमैनिस्ट एजुकेशन में। द मूवमेंट टू रिकवर, इंटरप्रेट एंड असिमिलेट लैंग्वेज, लिटरेचर, लर्निंग एंड द वैल्यूज ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोमन। दिस लिटरेचर वॉज थॉट टू प्रोवाइड मॉरल मॉरल इंस्ट्रक्शन एंड एन इंटेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अबव ऑल ह्यूमनिस्ट पुश्ड फॉर द जीनियस ऑफ मैन, द यूनिक एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड। ह्यूमनिस्ट्स बिलीव्ड दैट इट इज इम्पॉर्टेंट टू ट्रांसेंड टू द आफ्टर लाइफ विद द परफेक्ट माइंड एंड बॉडी विच कुड बी अटेंड विद एजुकेशन। रेनेसा आर्ट। डेवलपमेंट ऑफ हाईली रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव। पेंटर्स स्टडीड लाइट, शेडो एंड ह्यूमन एनाटॉमी। ऑयल पेंट एंड कैनवास डिपिक्ट थीम्स एंड एवरीडे लाइफ। सम आर्टिस्ट यू माइट नो, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, सो दीज आर द थिंकर्स पेंटर्स दैट यू नो। ये रेनेसा के समय की आर्ट थी, ये रेनेसा के समय का साइंस था, जो कि हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए लिटरेचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम लिटरेचर पर ही चलेंगे। तो ये जो रेनेसा था वो स्प्रेड टू इंग्लैंड। द 15th सेंचुरी मार्क द बिगनिंग ऑफ द इंग्लिश रेनेसा। इन ब्रिटेन 15th, 16th एंड 17th सेंचुरी रेनेसा स्टाइल एंड आइडियाज हाउएवर वर स्लो टू पेनिट्रेट इंग्लैंड एंड द एलिजाबेथन एरा इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी इज यूजुअली रिगार्डेड एज द हाइट ऑफ द इंग्लिश रेनेसा। तो इंग्लिश रेनेसा अपनी हाइट पे कब पहुंचा था? एलिजाबेथन एज के समय। और एलिजाबेथन एज जो है वो कब थी? वो थी 1558 टू 1603। इंग्लिश रेनेसा लिटरेचर इंक्रीज्ड। इंग्लिश रेनेसा थिएटर बिकेम पॉपुलर। विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वो बहुत फेमस थे। म्यूजिक न्यू क्रिएटिविटी इंक्लूडिंग अ चेंज टू फ्लावरी लाइट कंपोजिशंस, विलियम बायर्ड। आर्ट आइकोनोक्लास्टिक, कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के बारे में जो होती है आर्ट वो शुरू हो गई थी। एलिजाबेथन एरा 1558 टू 1603 मार्क्ड बाय द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। हिस्टोरियंस ऑफन डिपिक्ट इट एज द गोल्डन एज इन इंग्लिश हिस्ट्री एज इट रिप्रेजेंटेड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इंग्लिश रेनेसा एंड सॉ द फ्लावरिंग ऑफ पोइट्री, म्यूजिक एंड लिटरेचर। दिस एरा इज मोस्ट फेमस फॉर थिएटर
As William Shakespeare and many others composed plays that broke free of England's past style of theatre, the Elizabethan age may be viewed so highly because of the failings that the country experienced before and after her reign, a time of peace and prosperity. Renaissance class readings. Sonnets by William Shakespeare. Sonnets originated in Italy by a man named Giacomo da Lentini. By 13th century, it signified a poem of 14 lines that follows a strict rhyme scheme and a specific structure. Sonnets came to England and William Shakespeare took off the idea, becoming the most well-known writer of sonnets and known for his creation of the Shakespearean sonnet. A play by William Shakespeare. You have already read Romeo and Juliet. This year you will read. So these are the things that happened in Renaissance. Thank you so much. If you